डेवलपमेंट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, पब्लिसिटी टैक्स कलेक्ट करने में जुटा हुआ है। जयपुर नगर निगम को अलग अलग श्रेणियों से 100 करोड़ रुपए सालाना टैक्स कलेक्ट करने का लक्ष्य दिया जाता है, लेकिन जयपुर नगर निगम प्रशासन महज 30 से 35 करोड़ रुपए सालाना टैक्स कलेक्ट कर पाता है, जिसके बाद अब इंदौर मॉडल अपनाया गया है। जयपुर नगर निगम प्रशासन टैक्स कलेक्ट करने में सबसे फिसड्डी साबित होता आया है। ऐसे में अब जयपुर नगर निगम यूडी टैक्स और अन्य टैक्स कलेक्ट करने के लिए सेल्फ असिस्मेंट टैक्स पैड स्कीम पर काम कर रहा है। इस स्कीम के तहत टैक्स जमा करवाने वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार ब्याज राशि में 100% की छूट भी दे रही है, जिसका असर इस बार देखने को भी मिल रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में अब तक जयपुर नगर निगम ने महज 9 महीनों के अंदर 36 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट किया है। 31 मार्च 2020 तक जयपुर नगर निगम को 100 करोड़ रुपया टैक्स कलेक्ट करने का टारगेट दिया गया है। इस साल का हमारा 100 करोड़ को अर्बन डेवलपमेंट टैक्स को पार करने का लक्ष्य है, तो उसकी एवज में अभी तक हमने करीब 36 करोड़ जो है टैक्स वसूल किया है। जो लास्ट टाइम एज ऑन डेट बात करें तो करीब 11.5 करोड़ हम उससे आगे हैं, फिर भी 100 करोड़ काफी दूर है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, अटैचमेंट भी कर रहे हैं, लोगों को समझाइश भी कर रहे हैं, आईईसी भी कर रहे हैं, सारे प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं। निगम की कंगाली को दूर करने के लिए राजस्व वसूली के लिए निगम अधिकारियों के टारगेट भी तय किए गए हैं, जिसके बाद टैक्स कलेक्ट करने के लिए राज्य सरकार ने अहमदाबाद और इंदौर नगर निगम की तर्ज पर रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट कर रहा है, जिससे पिछले साल की तुलना में राजस्व बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उत्तम लक्ष्य प्राप्त कर सकता निगम, उसी दृष्टि से हम काम कर रहे हैं और जितने भी हमारे रेवेन्यू के पहलू है, चाहे वो यूडी टैक्स हो, मैरिज गार्डन के रजिस्ट्रेशन की बात हो, होर्डिंग की हो, उन सभी पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, नोटिसेज भेज रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद भी जो नहीं कर रहे हैं तो जो कानूनी शक्तियां निगम को प्रदान की है उसका प्रयोग कर रहे हैं। पर्पज यही है कि जो निगम की आय बढ़े तभी जाकर निगम अपनी सर्विसेज दे पाएगा। हालांकि पार्किंग और अर्बन असेसमेंट समेत अन्य टैक्स की वसूली पिछले साल की तुलना में काफी अच्छी रही, उधर नगर निगम प्रशासन का यह भी दावा है कि 30 नवंबर 2018 की वसूली की तुलना में मौजूदा वित्तीय वर्ष में अभी तक हुई वसूली की रफ्तार काफी बेहतर है। बहरहाल शहरी सरकार का यह दावा अगर 31 मार्च 2020 तक पूरा होता है, इससे नगर निगम की कंगाली काफी हद तक दूर हो सकेगी। रोशन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।